कश्मीर के कुलगाम में रेडवानी पाइन इलाके में बीती देर रात आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ आज एक बार फिर शुरू हो गई। सोमवार देर रात से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। दोनों ओर से भारी फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को घेर लिया है। गांव के एंट्री और एग्जिट सभी रास्तों को सील कर दिया गया। घेरा तंग होता देख आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने एक्स पर ये जानकारी दी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव की कमान संभालने के लिए रायबरेली पहुंच गई हैं। उन्होंने एक गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की हालात बहुत खराब है। मैं यहां आई हूं। चुनाव में 329 घंटे बाकी हैं। लगातार काम करना है। हर हाल में जीत दर्ज करनी है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाए, नहीं तो मैं फिर पीछे हटने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि रायबरेली वो किला है जिसे भाजपा ढहा नहीं पाई है। यहाँ पर हमारी जीत का संदेश दूर तक जाएगा। तैयार हो जाइए, चुनाव तक लगातार काम करना है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान जारी है। आज गुजरात की 25, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीटों समेत कुल 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के निशान हाई सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। वहीं केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी गांधीनगर से अपना मताधिकार का प्रयोग किया। ईडी ने 35 करोड़ की नकदी बरामदी के मामले में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए और घरेलू नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बीते दिन झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर सहायक जहांगीर आलम के पास से 35 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। दोनों गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को धन शोषण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। डोडा में केंद्र की स्कीम के तहत बेरोजगार युवाओं को बैंक से लोन मुहैया करवाकर इलेक्ट्रिक ऑटो दिए गए। युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर बैंकों से लोन लेकर ई ऑटो रिक्शा डाल लिए। लेकिन विडंबना देखिए, ये ऑटो रिक्शा 2 या 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गर्म हो जाते हैं। युवाओं में इसको लेकर रोष व गुस्सा देखा जा रहा है। बार बार कंपनी से बात करने के बाद भी इनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला। ऊपर से दिन भर ऑटो खड़ा रहने की वजह से इनकी आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ तक कि बैंक की किस्तें देना भी अब मुश्किल हो गया है। ई ऑटो रिक्शा वालों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक रेल प्रोजेक्ट का आज रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चरर अनिल कुमार खंडेलवाल ने निरीक्षण किया। परियोजना का काम मई के अंत या जून के प्रारंभ में पूरा होने का अनुमान है। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब केंद्र में बनने वाली नई सरकार के नए प्रधानमंत्री को अपना कार्यकाल शुरू में ही देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करने का मौका मिलेगा। उधमपुर के टिकरी में बोवाइन स्मगलिंग का प्रयास विफल कर दिया गया। 4 गोवंश बचाए गए। उधमपुर पुलिस द्वारा बोवाइन स्मगलिंग कर ले जा रहे वाहन को मवेशियों सहित जब्त किया गया। इंस्पेक्टर निषाद अहमद के नेतृत्व में टिकरी पुलिस चौकी के पुलिस टीम ने PSI साहिल सिंह की सहायता से बोवाइन स्मगलिंग के प्रयास को विफल कर दिया, जिसमें 4 बोवाइंस को बड़े ही निर्दयता पूर्वक ठूस कर टाटा सफारी में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर JK14B4733 को जब्त किया है। आरोपी व्यक्ति वाहन का चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने संबंध में पुलिस स्टेशन रामबल में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।